जब चुनाव करीब आता है तब राजनीतिक पार्टियों को अपने मतदाताओं की याद आने लगती है। अपना दबदबा कायम करने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं। खबर है मुंबई के बोरीवली इलाके की, जहां मनसे का एक नया अवतार देखने को मिला है। यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से गुजराती भाषा में एक बैनर लगाया गया है। गुजराती समाज के लोगों से अपील की गई है कि वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सदस्यता लें। यही नहीं, इस बार मनसे की तरफ से हिंदू कार्ड भी खेला गया है। पोस्टर में मनसे ने अपने आप को हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अभी एक महीने पहले ही इसी बोरीवली में जब शिवसेना ने गुजराती बैनर लगाया था, तब मनसे ने उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते हुए कहा था कि यह महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात है। इसमें लिखा था कि यह गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। मनसे ने वही कर दिखाया जो शिवसेना ने एक महीने पहले किया था। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये महाराष्ट्र की दो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो मराठी अस्मिता के नाम पर राजनीति करती हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब इन दोनों पार्टियों ने गुजराती वोटरों को लुभाने के लिए गुजराती भाषा में अपने बैनर लगाए हैं। वहीं कांदिवली इलाके में मनसे की तरफ से उत्तर भारतीयों को खुश करने के लिए उत्तर भारतीय भाषा में बैनर लगाया गया है। नहीं, आप गलतफहमी कर रहे हैं। सदस्य नोंदणी का मनसे का जो बैनर है वो मराठी में ही लगा है। कुछ गुजराती बांधव जो बोरली में रहते हैं, बोरली में गुजराती बहुल एरिया बोला जाता है। यहाँ पे बीजेपी के 6 नगर से होते, 5 बीजेपी के और एक छठा नगर से बीजेपी में गया है अभी। तो 70-60% गुजराती पब्लिक बोरली में रहती है और उनमें से कुछ लोग मनसे को मानने लगे हैं और मनसे में आ रहे हैं। तो उन्होंने मराठी गुजराती में अपील की है कि आप मनसे से जुड़ जाओ। आप देखिए वहां पे कोई मनसे का होल्डिंग, मनसे का चिन्ह या राज साहब का फोटो नहीं है। वहां पे श्री राम भगवान का फोटो है और छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है। तो वो अगर मनसे को मान रहे और वो खुद अपील कर रहे कि मनसे में आप आ जाओ हिंदुत्व के लिए, वो अगर मनसे को मान रहे, राज साहब ने हिंदुत्व की भूमिका ली है। लोग बोल रहे कि अभी मराठी को छोड़ रहे, नहीं, 110% या 1000% हम मराठी कभी छोड़ेंगे नहीं। मुंबई में, महाराष्ट्र में जिधर भी मनसे का बैनर लगेगा वो मराठी में ही रहेगा।